और अब रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर सोमवार सुबह जबरदस्त मिसाइल अटैक किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस ने करीब 4 महीने बाद कीव पर अटैक किया है। हमले के बाद कीव में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। लगातार एक के बाद एक हुए जोरदार धमाकों से कीव में हड़कंप मच गया। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक को रूस क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले के बदले के तौर पर देख रहा है। कीव पर हुए हमलों के बाद मेट्रो लाइंस पर चल रहे काम को रोक दिया गया है और मेट्रो स्टेशंस को शेल्टर होम्स में बदल दिया गया है। फायर फाइटर्स हमले वाली जगहों पर आग बुझाते और लोगों को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए हमले में 8 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की के दफ्तर के पास एक पार्क में भी मिसाइल अटैक की खबर है। खबर है कि रूस ने इस हमले में 75 रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। कीव पर हुए ताबड़तोड़ हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लिविव के एक खुफिया बंकर में छिपा दिया गया। जेलेंस्की के मुताबिक उनका देश रूसी आतंकवादियों के निशाने पर है। रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले का मकसद यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटी और आम लोगों को निशाना बनाना था। जेलेंस्की ने लोगों से शेल्टर होम्स में रहने की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हुए इतने बड़े हमले में मिसाइल के अलावा ईरानी ड्रोन शाहिद की बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया गया है। जेलेंस्की ने लोगों से हौसला बनाए रखने की अपील की है और यह कहा है कि यूक्रेन हमेशा था और हमेशा रहेगा। यूक्रेन की राजधानी कीव की ऐतिहासिक इमारत आर्च ऑफ फ्रीडम के नजदीक हुए मिसाइल अटैक का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। एक पुल पर हुए इस हमले में भारी नुकसान की खबर। यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस ने आज हमला किया है, वहां इंटरनेट फैसिलिटी को भारी नुकसान की खबर है, जिसकी वजह से इन इलाकों से संपर्क करने में मुश्किल पेश आ रही है। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में सोमवार सुबह ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अब हमले वाली जगहों का एक मैप सामने आया है, जिसमें उन जगहों को दिखाया गया है जहां रूस ने मिसाइल और ड्रोन अटैक के जरिए भारी तबाही मचाई है।